हमारे साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हुई थी हम लोग एक शो करके गुजरात से मैं और मुकेश खन्ना अच्छा जी पितामा हम लोग दोनों अपना हमारी जो गाड़ी मिस हो गई मुकेश जी बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी कोई आएगी ट्रेन यहाँ से तो बॉम्बे बहुत जाती है तो एक ट्रेन आई किसी तरह दरवाजा खुलवा खुलू के अंदर चढ़ गए अब उसको तो जगह मिल गई पितामा को मुझे कोई जगह नहीं मिली <laughs> दो तीन घंटे के बाद उनको तरस आया तो बेचारों ने थोड़ी सी जगह दी वरना ये हालत थी मतलब <laughs> उनको लोगों ने दे दी सीट की आप पिता और आपको देख के गुस्सा आ गया इनकी वजह से इनको नहीं इनको क्यों देंगे ये तो मामा को नहीं हम लोगों को कभी गिफ्ट में उन दिनों में नए नए जब महाभारत रिलीज हुआ तो कलर टीवी आने लगे और ब्लैक एंड वाइट टीवी आने लगे एक एक लड़के को हमको बुला बुला के मैन्युफैक्चरर्स टीवी सेट्स देने लगे हमारे मनपसंद का कलर लो और ये लो तो एक के एक एक घर में पांच पांच हो गए थे वो? लेकिन जिनको नहीं मिलते थे वो बेचारे टकराते थे सिर्फ अपने परवीन जी को अगर कोई ऑटोग्राफ लेने आ जाए ओके पाजी ऑटोग्राफ दे दो उन्हें लिख कहना पाजी इससे ना लिख दो तो अपना मतलब थोड़ा तो ना की है क्यों तू तो मेरे नाल रिश्तेदारी करनी है <laughs> <laughs> एक बार का किस्सा और बताता हूँ हम लोग जलंधर जाने वाले थे तो वाया दिल्ली गए तो दिल्ली से बाई रोड जाने वाले थे तो हम लोग एक होटल है दिल्ली में उसमें रुके हुए थे अर्जुन भी था हम सब साथ में थे तो अर्जुन ने क्या बोला पांच छह गाड़ियां आ रही हैं बड़ी बड़ी तो बेस्ट गाड़ी जो है वो सिलेक्ट कर ले उसमें हम दोनों छुप जाते हैं जाके चुपचाप प्रवीण जी बाद में आएंगे तो हम लोग नीचे जाके एक बड़ी मर्सिडीज थी मरून कलर की हम दोनों जाके उसमें चुपचाप बैठ गए अब सबके एक एक गाड़ी मिली सबको हम दोनों एक साथ थे जैन साहब को प्रवीण जी ने बोला कहते ओए बड़ी भीड़ है की कर रहे हो कहते जी जुलूस करना कहता जुलूस से मरण के बाद कर देने वाज दिस सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा वो गाड़ी में मैं और ये बैठे हैं पीछे <laughs> तो इसने देखा हमने शीशे में से देखा प्रवीण जी चले आ रहे हैं अब प्रवीण जी आए जो पांच छह गाड़ियां खड़ी थी ना होटल के बाहर वो सब में जाके देख रहे अर्जुन और युदेश्वर की तरह वो सब में ढूंढ ढूंढ के ना तो वो गाड़ी में हम लोग नीचे चले गए एकदम तो उन्होंने दरवाजा खोला तो ये दिखाई दिया क्यों अर्जन है तो गड्डी देख के रिश्तेदारी भूल जाना है हमारी पूरी महाभारत जब शुरू हुई थी तो वही एक बंदा था जिसके पास मर्सिडीज थी अच्छा और वो रहता था खार में और मैं रहता था बांद्रा में तो मेरे पास तो गाड़ी मतलब छोटी सी गाड़ी थी एक फेयर्ट तो अब क्या करें तो मैं इसको बोलूं कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं हाँ हाँ तू तो मेरा तो उसको मैं पूरा हाइप करता था और उसकी लेफ्ट हैंड ड्राइव थी तो जब वो चलाता था तो जब हम स्टार्ट होते थे तो मैं बड़ा अच्छा उसको बड़े डोले शोले की तारीफ करूँ ये करूँ और जैसे ही फिल्म सिटी आए तो मैं चौड़ा हो जाऊँ ऐसे करके आराम से बैठूँ तो मेरे को बोलता ओ सीधा बैठ मैं तेरे पियो का ड्राइवर हूँ <laughs> ये रोज का मामून था ये डेली था ये डेली करता था मैं लेकिन वो बहुत भोला आदमी था एक बार हम लोग उसके घर पे थे खार वाले घर पे तो बाहर का गेट बंद था बाहर तो महाभारत वाले अंदर तीन चार लोग खड़े थे तो बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई बहुत सारी तो उसका बॉय था गणेश प्रवीण जी का तो उसने बोला ओ गेश देख भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है जाके वेख जरा अब वो गया बॉय वहाँ तक गया और वापस आ गया कहना पाजी वो तो गेट से बाहर है कहता क्यों गेट के बाहर तेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म हो जाती है <laughs> <laughs> wow, यार, क्या wow Amazing. एक इंसिडेंट याद है सर एक इंसिडेंट याद है जब भीष्म पितामह का वो वध हो रहा था तो आई है तो वो क्लोजअप्स वगैरह उनके ले लिए थे मेरे ले रहे थे तो आई वॉज लिटरली क्राइंग बिकॉज उसके दो तीन दिन पहले ही मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ था तो मैं पापा पापा बोल रहा था उसको और वो डबिंग में उन्होंने पितामह कर दिया उसको तो जब मैं वो शॉट लेकर आई वॉज क्राइंग अवे एंड एवरी बडी वॉज बूवड तो वो जब मैं रो क, 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 शूट करते करते जब मैं बैठ गया गिर गया तो रवि जी बोले बस आज के लिए इतना काफ़ी है नहीं करूँगा मैं अभी शूटिंग तो मैं ऐसे ही बैठा था बोले तू क्यों अभी मूड लटका के बैठा है चल 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 चलते हैं तो ऐसी जोक जोक में रवि जी रिट्रीट चलते हैं खाना खाने के लिए वहाँ चलो पैकअप सबको बोले चलो रिट्रीट चलो और हम लोग रिट्रीट गए थे वहाँ उन्होंने हमारी बिरयानी वगैरह जो थी वो सब तो बॉसी वॉज लाइक यू नो ही अस हमको कुछ भी अगर चाहिए था तो हमको किसी को बोलने की जरूरत नहीं बोल आजू बाजू शूटिंग होती थी उसके आर्टिस्ट भी खाना खाने महाभारत के सेट पे wow. Wow. और खुशी खुशी, खुशी खिलाते तभी तो ऐसे थोड़े ना ऊपर वाले की धर्म जी हो विनोद कोई राज हो कोई हो सब मतलब बिहार की शूटिंग चल रही है तो चलो वहाँ खाना खाएंगे अपना सेट छोड़ के वाह नहीं एक बात मैं कहना चाहती हूँ या बड़े से बड़ा आदमी वही खाना खाता था जो सबके yes. लिए बनता था जी, जी, कोई एक्स्ट्रा डिश मैं कभी घर से नहीं भेजती थी रवि जी दिल के राजा आदमी थे मुझे एक किस्सा छोटा सा याद है एक बार रवि जी ने बोला रहे कोई पानी पिलाना मैं उनके बाजू में बैठा था थोड़ी देर में देखा एक बच्चा जो है छोटी ट्रे पे एक ग्लास पानी लेके आया तो रवि जी ने पूछा कौन है ये तो पता लगा वो लाइटमैन का बच्चा है तो उसने बोला बच्चे को कैसे काम करवा रहे हो आप बुलाओ उसको जिसका बच्चा है उसको बुलाया गया बोला कि आज के बाद इसकी सारी जिंदगी पढ़ाई का खर्चा जो है वो तो फिल्म से जाएगा वाँ। वाँ। तो दिल के वाँ। इतने अच्छे मैं एक अफरीदी पठान हूँ मुझे अर्जुन का रोल मिला जी ये सिर्फ हमारे ही देश में हो सकता है एक्चुअली यहाँ कोई भेदभाव नहीं है और मैं बड़े फक्र से कहता हूं माँ जिसने मुझे नौ महीने अपने कोक में रखी है वो मुझे अर्जुन कहती है इससे और क्या मैं साथ हुआ। हुआ। क्या बात है हम कोई लल्लू बचू राजा नहीं हाँ हम गोदा राज के कौन से गोदा वंश के राजकुमार महाराज और ऐसे कपड़े आप राजा कम किसी लुटी हुई रियासत के बावर्ची ज्यादा लग रहे हैं <laughs> <laughs> तो आओ फिर हमारे तंदूर पर अपने प्यार के पराठे सेक लो वाह 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 हम माइक्रोवेव के जमाने में तंदूर की तरफ देखते नहीं हैं। ये बात बोलने के लिए इसने बीस हजार रूपए का लोन लिया था सब जाकर इनके घर में माइक्रोवेव आया था चलाना आता है माइक्रोवेव कल मुझे कहती माइक्रोवेव में मिट्टी का तेल कहा से डलता है और डीजल से चलता है वो प्रिय गुमबदाकार गैंडा स्वरूप प्रिय मोटे जेस्ट कृपया थोड़ा सा धैर्य रखिए नहीं तो हम तुम्हारे धड़ पर रखने गे अविश्वसनीय असहनीय अटेंशनिया बकल बे अकल निया इंसान तमीज़ से बात करो रेनू जी सुना आपने यहाँ पर ये राजा बन के आए हैं लेकिन निकल तो पंजाब रहा है कुछ कुछ ओए कुछ ओए ओए कि पंजाब निकलता है तो कनेडा बनता है आए, आए, और जब कनेडा बनता है तो पंजाब बन, बन 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 जाता है नीतीश सर आज की जनरेशन को जिन्होंने महाभारत नहीं पढ़ा है अगर आपको उनको कोई संदेश देना हो महाभारत के आधार पे यू नो महाभारत जैसे मैम ने कहा कि रामायण हमें सिखाती है कि हमें क्या क्या करना है और महाभारत हमें सिखाती है क्या क्या नहीं करना है तो क्या क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों को देखिए सबसे पहले तो ये गलत फहमी लोगों के दिमाग से हटानी पड़ेगी कि महाभारत के खंड सारे जो वॉल्यूम्स हैं वो घर में रखने से घर में महाभारत होती है ऐसे कई सारे हज़ारों लाखों करोड़ों घर होंगे जिनके घर में महाभारत नहीं है लेकिन फिर भी महाभारत अच्छी तो, तो ये गलत फहमी है जीवन दर्पण कहते हैं महाभारत को राइट जीवन का दर्पण है एक शकुनी दुर्योधन युधिष्ठिर हमको आज भी बाहर दुनिया में देखने को मिलता है बिल्कुल और अपने बच्चों को ये दिखाना जरूरी है खास करके आज के जहाँ पर मटेरियल वर्ल्ड है भौतिकवाद इतना चरम सीमा पर है वहां लोगों की आकांक्षाएं इच्छाएं लोभ इतना बढ़ा हुआ है तो इन सब से डील कैसे करेंगे अपने बच्चे जी तो ये दिखाने के लिए आपको महाभारत पढ़वाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा और मैं ये मानता हूं राही साहब के जो डायलॉग्स हैं कपिल जी वो कालातीत हैं, एक्चुअली वो डायलॉग्स अगर नहीं होते हम लोगों का काम ना नब्बे प्रतिशत उन डायलॉग्स ने कर दिया नब्बे मतलब और उस व्यक्ति का हृदय देखिए विशाल हृदय मुझे याद है आज भी आ, फिल्म सिटी में वो जो सेट लगा था वहाँ शांति दूत की स्पीच चल रही थी मेरी और धृतराष्ट्र को समझाने कृष्ण आते हैं शांति दूत बनकर कि युद्ध ना होने दो जहाँ दुर्योधन कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करते हैं तो वो जब सेट पर आ, शूटिंग चल रही थी तो चाइनीज प्राइम मिनिस्टर वाज ऑन द सेट वाह तो पूरे प्रोटोकॉल के साथ सारी मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स फिल्म सिटी के ऑफिसर्स सारे सब कोई था चोपड़ा साहब आए थे राई साहब आए थे सब लोग पूरा परिवार था और प्रोटोकॉल के तहत उस दिन आना ज़रूरी था तो सब लोग वहाँ पर आके बैठे थे वो स्पीच जैसे ही खत्म हुई चार पाँच शॉट्स उसके थे वो ख़त्म हो गई और रवि जी ने ब्रेक किया और राई साहब ने मुझे बुलाया बोले मियाँ आओ बैठो मैं बैठा हम आज आपसे कुछ कहने वाले हैं तो मुझे लगा कहीं गलत कुछ कह गया मैं मैं कहा राय साहब कोई गलती हो गई क्या कहीं पे? मैं मियाँ सुनो सिर्फ सुनो हम क्या कहने जा रहे हैं उन्होंने कहा जब इनके यहाँ एक रिवाज था स्क्रिप्ट की रीडिंग होती थी बी में और पूरी टीम साथ में बैठ के उस स्क्रिप्ट को उस एपिसोड के स्क्रिप्ट को पढ़ते थे अच्छा जी तो राय साहब ने कहा कि जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते हैं ना एपिसोड के तो कई बार हमको ऐसा लगता था कि हमने कुछ लिखा लेकिन हमारे लिखे हुए संवादों को जब तुम बोलते हो तो हमको लगता है कि हमने क्या लिखा <laughs> <आप>। <laughs> चूछ। <laughs> चूछ। <laughs> क्या फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज